आपको कोडिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं। आपको जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में अगर नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद का अपना एंड्रॉयड का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी वेबसाइट के लिए, फेसबुक पेज के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अगर आपका कोई ब्लॉग है तो उसके लिए, मतलब कि अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे खुद से एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना सकते हैं एकदम फ्री में। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री होगा। फ्री में हम अपना एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट ऐप फॉर फ्री, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए दो ऑप्शन है, एक बिजनेस और एक है इंडिविजुअल। तो आपको यहाँ पे अपनी मतलब कि अगर वेबसाइट के लिए ऐप बनाना है तो आप यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी में रहेंगे। यूट्यूब चैनल का अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बनाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज, पेज HTML कोड, PDF टैब, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड अपने एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाना है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फेसबुक पेज के लिए अपना एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे कैटेगरी को भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम होगा, वहाँ पे आपको कुछ अलग डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचकर कंफ्यूज ना हो कि मैं यहाँ पे फेसबुक पेज के लिए बना रहा हूँ तो वो ईजी होगा, और अगर आप यूट्यूब चैनल या फिर अपने वेबसाइट के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसेस आपका सेम ही होगा। मैं यहाँ पर आपको अभी फेसबुक पेज का एक अपने फेसबुक पेज का एक एप्लीकेशन बनाकर दिखाता हूँ, जहाँ पे उस एप्लीकेशन को अगर कोई डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल में और जैसे ही उसको ओपन करेगा तो वहाँ पे क्या है कि मेरा फेसबुक का जो पेज है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल पेज है, उसी पेज को वो डायरेक्टली ओपन करेगा। वहाँ पे वो अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करके और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकता है, मेरे को मैसेज कर सकता है। मैंने जो वहाँ पे फोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी शेयर किया हुआ होगा तो वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के थ्रू ही वहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी उसको अगर मतलब वहाँ पे जो भी एक्टिविटी वो वहाँ पे करना चाहता है वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पेज पे एक बार टैप करता हूँ। जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे देखिए टेम्पलेट एंड डिस्क्रिप्शन कुछ आया हुआ है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का URL एंटर कर देना है। अगर आप वेबसाइट वगैरह की वहाँ पे एप्लीकेशन बनाने का क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वैसे ही आपको अपने वेबसाइट वगैरह का URL पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का URL एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नेम एंटर करना है। जैसे फेसबुक के एप्लीकेशन का नेम फेसबुक है, वैसे ही आपको अपने एप्लीकेशन का क्या नाम रखना है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का आइकन चूज करना है। डिफ़ॉल्ट आइकन में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई कस्टम मतलब आपका कोई फेवरेट अगर आपका कोई आइकन है आपके यूट्यूब चैनल का, अपने फेसबुक पेज का, तो आप यहाँ पे जब उसको अपलोड करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैंने आइकन चूज कर लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वेबसाइट की तरफ से बोला जाएगा कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके और एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन होगी वो आपके प्रोफाइल में जाकर स्टोर होती रहेगी। अगर आप उस एप्लीकेशन को कभी फ्यूचर में डाउनलोड करना चाहेंगे तो वहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉग इन करके और वहाँ पर इस एप्लीकेशन को, जो भी आपने एप्लीकेशन को पहले क्रिएट किया हुआ है उस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड के भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे जब ये वेब पेज ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो एप्लीकेशन क्रिएट होकर रेडी हुआ है आपका, इसको आप कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं सेंड ऐप टू ईमेल करूँगा तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमारे ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि रीबिल्ड एंड डाउनलोड ऐप, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। APK एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप अपनी इस एप्लीकेशन का लिंक किसी को शेयर करना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट डाउनलोड कर पाए तो वहाँ पे आप इस बारकोड को शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे ये जो नीचे आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है इस लिंक को भी अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो डायरेक्टली वो वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएगा। तो मुझे ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे इसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, आप यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए डाउनलोड का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो 20 MB का है, 20 MB का है एप्लीकेशन। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या सच में वो एप्लीकेशन हमारी जो हमने वहाँ पे अपनी फेसबुक पेज का URL दिया हुआ था, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ था, क्या सच में उस फेसबुक पेज को ओपन करता है या फिर नहीं, वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कम्प्लीट हो जाता है तो मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। बहुत बारी ऐसा होगा कि आप जब यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने किसी वेब ब्राउज़र से तो शायद वहाँ पे ओपन होने में दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड हुआ है इसको हम अपने फाइल मैनेजर से ओपन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है ये 20 MB का ये यहाँ पर हमारे फाइल मैनेजर में आकर स्टोर हुआ है। हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल की तरफ से एक एरर मैसेज, एक वार्निंग आएगी कि यहाँ पे ये जो डेवलपर है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। एक मैसेज आपके मोबाइल में ये भी आ सकता है, सेंड ऐप फॉर स्कैनिंग, यहाँ पे आप डोंट सेंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया यहाँ पे जो हमारा फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो चुका है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो भी यहाँ पे पोस्ट अपलोड किए हुए हैं वो टोटल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी इस फेसबुक पेज पे कोई लाइक फॉलो मुझे करना चाहता है, मुझे अगर मैसेज वगैरह करना चाहता है, वो जैसे ही किसी भी एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, मान लीजिए कि लाइक करे पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे अपना यहाँ पे फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन हो जाने के बाद वहाँ पे लाइक फॉलो मैसेज वगैरह जो भी कुछ करना चाहता है यूज़र वो डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप भी एंड्रॉयड का एप्लीकेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।